और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, स्वपन दास गुप्ता ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें इसी बात को लेकर बवाल उठ गया था। लगातार टीएमसी का ये कहना था कि ऐसा नहीं हो सकता कि राज्यसभा के भी वो सदस्य रहे और दूसरी तरफ चुनाव वो कैसे लड़ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने स्वपन दास गुप्ता को टिकट दिया था चुनाव लड़ने का। और इस बीच बीजेपी ने, हालांकि स्वपन दास गुप्ता ने साफ तौर पर कहा था कि नॉमिनेशन से पहले चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी, साफ हो जाएगी। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, स्वपन दास गुप्ता ने राज्यसभा स्पीकर को अपना इस्तीफा भेजा है और स्वपन के चुनाव लड़ने पर टीएमसी ने, आपको जैसा कि मैंने बताया, कि ऐतराज जताया था और साफ तौर पर कहा था कि संवैधानिक तौर पर यह संभव नहीं है और इस मुद्दे को वो उठाएगी। तो राज्यसभा से स्वपन दास गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया। और आपको बता दें कि आज बांकुड़ा में कई रैलियां होने वाली है। हमारे संवाददाता सूर्याग्नि और अनुपम मिश्रा दोनों ही जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अनुपम, आपसे हम जानना चाहेंगे, स्वपन दास गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया है राज्यसभा सांसद, राज्यसभा से अपने पद से, और ऐसे में आप ये बताइए कि अब जो नॉमिनेशन से पहले उन्होंने कहा था कि चीजें क्लियर हो जाएगी, तो अब तो किसी तरह की संवैधानिक कम से कम कोई परेशानी यहां पर नहीं है उनके चुनाव लड़ने में? जी देखिए, टीएमसी की ओर से कहा गया था कि वो शिकायत करेगी, लेकिन शिकायत करने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दरअसल उनको पहले ही इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन इस मामले में बीजेपी से हल्की चूक हुई है। तो ये अब चुनाव आयोग पर निर्भर करेगा कि वो इस विषय पर किस तरह से निर्णय लेता है। हालांकि जो बाधाएं आ रही थी, जो राज्यसभा के सांसद पद से इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया था, उसको उन्होंने साफ कर दिया है। उन्होंने पहले ही कहा था कि जो स्थिति है वो सुलझ जाएगी, तो फिलहाल सुलझाने की कोशिश की गई। भाजपा की ओर से स्वपन दास गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया है और अब कोई अड़ंगा या रोड़ा नहीं है, लेकिन अब चुनाव आयोग के ऊपर निर्भर कर रहा है और टीएमसी किस तरह से कैसा रुख अख्तियार करती है, कितने आक्रामक तरीके से इस पर फिर शिकायत करती है, इस पर भी काफी कुछ निर्भर कर रहा है। श्वेता, आपसे अनुपम जानना चाहेंगे, अगर इसको संवैधानिक तौर पर हम समझना चाहे तो अब किसी तरह की परेशानी अब इलेक्शन लड़ने में तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी इस्तीफा दे चुके हैं, वो किसी पद पर नहीं है तो वो लड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, रोड़ा यही था कि वो राज्यसभा के सांसद थे, इसके बावजूद वो चुनाव लड़ रहे थे, तो ऐसे में उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया है। हालांकि जब उनका अनाउंसमेंट हुआ था उसके तुरंत बाद उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, तो इस वक्त में फिलहाल वो सिर्फ एक उम्मीदवार हैं, उनके पास कोई किसी तरह का सांसद का पद नहीं है, तो ऐसे में फिलहाल कोई रोड़ा नहीं है। हालांकि मुझे लगता है कि टीएमसी भी अब इसको हो सकता है आगे ना बढ़ाए, क्योंकि टीएमसी जिस तरह से चाह रही थी, टीएमसी की ओर से कहा गया था कि वो तुरंत निलंबन की बात चाह रहे थे राज्यसभा, तो वो काम हो गया है फिलहाल। तो अब उम्मीद है कि जो समस्याएं या जो दिक्कत आ रही थी वो नहीं हो, लेकिन चुनाव आयोग और टीएमसी के रुख पर निर्भर कर रहा है। अगर टीएमसी की ओर से शिकायत की जाती है, चुनाव आयोग को इस पर देखना होगा और इस पर वो विचार करेगा। बिल्कुल, चले, ये एक मुद्दा तो थोड़ा खत्म होता नजर आ रहा है, लेकिन इस वक्त जहां पर आप खड़े हैं अनुपम, वहां पर आज एक बार फिर से ममता बनर्जी गरजने वाली हैं। कब पहुंचेंगी वहां पर, कितने बजे से उनका कार्यक्रम है, साथ ही जाना चाहेंगे, जिस तरह से वो आक्रामक अभी तक होती आई हैं और उन्होंने व्हीलचेयर पर बैठकर कहा है कि घायल शेरनी जो है और ज्यादा खतरनाक होती है, क्या उम्मीदें आज के इस कार्यक्रम और रैली से? दिया जाना ले। जी देखिए, जंगल महल का इलाका है, फिलहाल जंगल महल में चुनाव प्रचार हो रहा है। ममता बनर्जी की ओर से आज बांकुड़ा में है, बांकुड़ा में 3 सभाएं वो कर रही हैं और खास तौर पर व्हील चेयर पर बैठकर वो सभाएं कर रही हैं। जो पीछे भीड़ है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह की भीड़ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। ममता बनर्जी के आने का समय हो गया है, हेलीकॉप्टर से पहुंचेगी। यहाँ पर एक रैंप बनाया गया है जिस रैंप के जरिए वो व्हील चेयर पे ऊपर चढ़ेंगी मंच पे, और मंच पे वो व्हील चेयर पे बैठे बैठे ही फिलहाल भाषण दे रही है। तो ममता बनर्जी और टीएमसी की कोशिश है कि जो चोट के बाद सहानुभूति की लहर पैदा करने की कोशिश हो रही है, जो दर्द है उस पर राजनीति हो रही है, उसको किस तरह से वोट में तब्दील किया जाए, ये फिलहाल पूरी तरह से टीएमसी की ओर से कोशिश की जा रही है। जो पड़ाव है वो अब दर्द के पड़ाव में तब्दील हो गया है। वहीं बीजेपी की ओर से जो कोशिश है कि ममता की चोट से जो सहानुभूति की लहर पैदा हो सकती है या हो रही है, उसको किसी भी तरह से नकारा जाए, उसको कमतर आंका जाए, और यही वजह है कि बीजेपी की ओर से लगातार ममता की चोट पर तरह तरह के सवाल
सवाल भी किए जा रहे हैं, कभी कहा जा रहा है कि आएंगे आपके पास। और हम चलते हैं सूर्यागनी के पास और वो भी इसी जगह पर मौजूद है बांकुड़ा में, और यहाँ पर आज जेपी नड्डा का भी कार्यक्रम होने वाला है। सूर्यागनी आपसे जानना चाहेंगे कि उनका क्या कार्यक्रम है, कितने बजे जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, और साथ ही साथ बीजेपी अब भरसक कोशिश यहाँ पर कर रही है ये बताने और कहने की कि ममता बनर्जी की ये चाल है, टैक्टिक्स है एक तरह से सिंपैथी वोट गेन करने की। आज भी शायद यही कुछ सुनने को मिलेगा। देखिए, अगर हम जेपी नड्डा के सभा के बारे में बात करें तो यहाँ पे बांकुरा के बिष्णुपुर में यहाँ पे उनके दो इवेंट्स हैं। पहला एक रोड शो इस स्पॉट से शुरू होने वाला था, 11:30 बजे रोड शो स्टार्ट होने वाला था, लेकिन अभी तक हमारे पास जो खबरें हैं कि जेपी नड्डा अभी तक कोलकाता से रवाना हुए हैं नहीं। दूसरी एक कुलतोली नामक एक जगह पे 3:30 के आसपास एक जनसभा जेपी नड्डा को संबोधित करना था, लेकिन अभी जिस हिसाब से ये चल रहा है कार्यक्रम, डिले जो हो रहा है उससे समझ में आता है कि ये वो कार्यक्रम भी डिले होगा। अभी आपके दूसरे सवाल पे अगर हम आए तो बीजेपी का बारंबार एक ही पॉइंट ब्लैंक दावा है कि ममता बनर्जी की जो इंसिडेंट उनके साथ घटी थी, जिसको वो कहते हैं कि ECI ने भी कह दिया है कि ये कोई अटैक नहीं था, एक्सीडेंट था, उसको वो एनकैश करना चाहती है। बीजेपी बारंबार कोई छोटा नेता हो या फिर अमित शाह ही हो, सब यही कह रहे हैं कि वो अनुपम मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। अनुपम, वहां पर जानना चाहेंगे कौन कौन वहां पर अभी पहुंच चुके हैं। जी देखिए, ममता बनर्जी का हेलीकॉप्टर अभी अभी उतरा है यहाँ पर, और मैं आपको वो रैंप दिखाने की कोशिश करूंगा जिस रैंप को खास तौर पर ममता बनर्जी की जो भी पब्लिक मीटिंग हो रही है वहाँ पर बनाया जा रहा है ताकि व्हील चेयर से उनको ऊपर चढ़ाया जा सके। तो ये वो रैंप है जिसको फिलहाल बनाया गया है। ममता बनर्जी का हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है, जस्ट मैदान के ठीक बगल में ही ममता बनर्जी का हेलीकॉप्टर उठ रहा है, और 2 से 3 मिनट में ममता बनर्जी इस वक्त मंच में होंगी। और ममता बनर्जी के पहुंचने से पहले यहाँ पर सांसद कल्याण बंदोपाध्याय, चंद्रमा और जो स्थानीय नेता हैं जिनकी यहाँ पर चुनाव होना है, जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बांकुड़ा जंगल महल का इलाका है और यहाँ के जितने भी उम्मीदवारों को TMC ने खड़ा किया है उनकी उपस्थिति यहाँ पर है, और जो बड़े नेता हैं उनमें यहाँ पर है जिन्होंने अभी काफी हद तक थोड़ा बीजेपी पर वार भी किया। ममता बनर्जी यहाँ आएंगे, हम आएंगे आपके पास अनुपम, ज्यादा जानकारी के लिए फिलहाल शुक्रिया आपका। यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।